चैनल लाइफ साइट विजिट, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्तों नमन, आ गई हूँ एक और एक खूबसूरत प्रॉपर्टी लेकर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ये 280 गज की एक बहुत ही खूबसूरत कोठी की, जो कि लोकेटेड है सेक्टर 123 सनी एंक्लेव में, जो कि 200 फीट वाइड एयरपोर्ट रोड पे लोकेटेड है। सो गाइस, G+2 का कॉन्सेप्ट आप मेरे सामने देख रहे हैं। इसकी एलिवेशन बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे टाइल वर्क किया गया है, वुडन टाइल वर्क है एंड साथ ही साथ ग्लास वर्क किया गया है। एंड अगर मैं गेट की बात करूँ तो ये पूरा आयरन का गेट रहने वाला है। जो मेरा बर्न एरिया है ये पूरा ग्रेनाइट का मार्बल यूज़ किया गया है। यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं एक पार्किंग आपको बाहर ही अवेलेबल हो जाएगी एंड यहाँ पर भी आपको एक ग्रेनाइट टाइल वर्क किया गया है। चलिए अंदर चेकआउट करते हैं। सो अंदर आप देख सकते हैं कि अंदर भी आपको पार्किंग अवेलेबल है। यहाँ पे आराम से 2 व्हीलर्स की पार्किंग हो सकती है एंड 2 गाड़ियों की पार्किंग हो सकती है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया है। यहाँ पे इन्होंने सारी जो ग्रीन प्लांट्स लगाए हैं इससे बहुत ही अच्छी वाइब क्रिएट की है। एंड अगर मैं आगे बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ग्रेनाइट मार्बल यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर हम कॉर्नर में आ जाते हैं एंड क्योंकि ये कॉर्नर कोठी है तो आपको एक प्यारा सा गार्डन भी अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर आप बहुत सारे फ्लावर्स, प्लांट्स कुछ भी उगा सकते हैं एंड यू कैन जस्ट एंजॉय दिस एरिया। यहाँ पर एक छोटा सा वरांडा टाइप्स है, आप इसको कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर भी बहुत ही खूबसूरत टाइल वर्क किया गया है। एंड अगर मैं आगे बात करूँ तो यहाँ पे वुडन टाइल वर्क ही पूरा किया गया है एंड ये इटालियन मार्बल का यूज़ किया गया है। एंड यहाँ से भी आपके घर की एंट्री है, बट वील गो फ्रॉम द मेन एंट्रेंस, सो लेट्स चेक आउट। सो फ्रेंड्स, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ जाते हैं खूबसूरत से शेल्व्स एंड प्लांट्स। पूरा इन्होंने प्लांट्स से कवर किया गया है ताकि यहाँ पे ग्रीन एरिया मेंटेन रहे, फ्रेश एयर मेंटेन रहे। एंड यहाँ पर आप छोटे छोटे पॉट्स रख सकते हैं जैसे इन्होंने रखे हैं, या आप अपने तरीके से इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि डिज़ाइनर सी वॉल आ जाती है एंड यहाँ पर पूरा ब्रिक वर्क किया गया है। बहुत ही डिफरेंट एंड बहुत ही यूनिक लग रहा है। इट्स अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हियर। एंड यहाँ पर ये आ जाता है आपका यूटिलिटी एरिया, आप स्टोरेज एरिया कह सकते हैं। इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको 3 शेल्व्स दी गई है। तो आगे हमारे ऊपर वाले फ्लोर्स की ये एंट्रेंस आ जाती है, लेकिन यहाँ से आती है हमारे ग्राउंड फ्लोर की एंट्रेंस। एंड ये आप देख सकते हैं पूरा वुडन डोर है एंड यहाँ पे आपको लॉकिंग की सिस्टम दिया गया है। चलिए आगे चेकआउट करते हैं। सो गाइस, ये रहेगी आपके घर की मेन एंट्रेंस एंड यहाँ पर आ जाता है हमारा एंटर करते ही डाइनिंग एरिया। एंड आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, यहाँ आराम से 6 सीटर डाइनिंग आ सकती है। आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छे से इसको मेंटेन किया है विद दिस ग्रीन प्लांट्स एंड दिस कैबिनेट, बहुत ही सुंदर लग रहा है। एंड जस्ट लुक एट दिस बुद्धा वाली वॉल फ्रेम, बहुत ही सुंदर लग रही है ये। एंड आप यहाँ से इंटीरियर के आइडियाज़ ले सकते हैं, यू कैन डेकोरेट इट लाइक इट इज़। एंड ऊपर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको फॉल सीलिंग विद एम्बिएंट लाइटिंग्स दी जा रही है, एज इट इज़ मिलेगी ये आपको। एंड जस्ट लुक एट दिस कैबिनेट, दिस शेल्फ, यहाँ पे अपना एक क्रॉकरी इन्होंने रखी है, बहुत ही सुंदर लग रही है। आप यहाँ पर भी इस चीज़ को कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द हार्ट ऑफ द होम, दैट इज़ द किचन। एंड एंटर होते हैं आप किचन में, देख सकते कि ये पार्टीशन बहुत ही अच्छे से इन्होंने तैयार की है। इट्स मोर लाइक एन ओपन किचन कॉन्सेप्ट। आप मेरे सामने देख सकते हैं पूरी विट्रीफाइड फ्लोरिंग यूज़ की गई है, यहाँ पे मार्बल टॉप है एंड साथ ही आपको मिल रही है हॉब एंड चिमनी। एंड आप देख सकते हैं ये किचन कम्प्लीटली मॉड्यूलर है, जस्ट लुक हाउ स्विफ्ट इट ग्लाइड्स। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिल रहे डुअल सिंक विद रोटेटिंग फॉसेट्स एंड यहाँ पर आपको दी जा रही है विंडोज ताकि वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड जस्ट लुक एट दिस अर्दन पॉट, बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है एंड आप यहाँ से कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं। ये शेल्फ दी गई है, इन्होंने इसको डेकोरेटिव फॉर्म में यूज़ किया है, आप इसे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लुक एट दिस लाइट्स, ये बहुत ही सुंदर लग रही है, ये आपको एज इट इज़ मिलने वाली है। And now let's move here to just see, ये आपको स्पेसिफिकली एरिया दिया गया है, यहाँ पे आप अपना रेफ्रिजरेटर रख सकते हैं या कैसे भी इस एरिया को यूटिलाइज कर सकते हैं। Now let's move towards the living space of this home. So this is the living space and enter करते ही आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत पार्टीशन इन्होंने दी है विद शेल्व्स एंड यहाँ पे आप कैसे भी कुछ भी रख सकते हैं। Just look at the glass work here. बहुत ही सुंदर प्रिंट में इन्होंने ये ग्लास दिया है विद दिस ब्यूटीफुल पैटर्न।
तो आगे बढ़ते आप देख सकते हैं कि इन्होंने 8-सीटर सोफा यहाँ लगाए हैं और बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट के लगाए हैं, बहुत ही इंडो वेस्टर्न सी और एथनिक सी वाइब यहाँ पर आ रही है। ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉल सीलिंग विद लाइटिंग प्रोवाइड किया जा रहा है एंड यहाँ पर वेंटिलेशन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज यू हैव अ ह्यूज विंडो एंड विद अ वेरी ब्यूटिफुल पैटर्न। आप पैटर्न देख सकते हैं, बहुत ही डिफरेंट पैटर्न इन्होंने ग्लास में बनाए हैं। तो गाइस यहाँ पे जो एरिया है इसकी वाइब बहुत अच्छी क्रिएट की गई है विद दिस लिटिल प्लांट्स। आप देख सकते हैं कि बहुत ही एथनिक वाइब क्रिएट की गई है इन प्लांट्स के थ्रू, इन पेंटिंग्स के थ्रू एंड यहाँ पे जो शेल्स बनाई हैं, यहाँ पे हर एक चीज जो रखी गई है वो कंट्रीब्यूट करी है एक इंडो वेस्टर्न और एक एथनिक वाइब पर। सो जस्ट हैव अ लुक हियर। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट बेडरूम एंड आप देख सकते हैं कि दिस इज आवर फर्स्ट बेडरूम। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। आई थिंक ये किंग साइज बेड है एंड किंग साइज बेड लगे होने के बावजूद काफ़ी ज़्यादा मूवेबल स्पेस है। जस्ट लुक एट दिस कैबिनेट जो उन्होंने तैयार की है, बहुत ही अलग वाइब दे रहा है विद दिस ह्यूज LED टेलीविजन एंड साथ ही साथ यहाँ पर आ जाती खूबसूरत सी पेंटिंग जो उन्होंने बेड के पास लगाई है। ये बहुत ही प्यारी एथनिक वाइब दे रहा है। जैसे आई टोल्ड यू, आई थिंक ये जो पूरा घर ही है ये एक एथनिक थीम पर बेस्ड है एंड आप देख सकते हैं कि ऊपर एम्बियंस लाइटिंग एंड फॉल सीलिंग आपको एज इट इज़ मिल रही है। एंड अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर आ जाता है हमारा वॉक इन क्लोजेट विद अ ड्रेसिंग एरिया एंड द स्पेस इज ह्यूज। आप देख सकते हैं कि ड्रेसिंग एरिया के लिए ही काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया गया है। आप काफ़ी सामान यहाँ अपना रख सकते हैं एंड यहाँ पर शेल्फ्स भी बनाई गई है, इसको भी आप कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ पर इन्होंने इसको डेकोरेशन के लिए यूज़ किया है बट यू कैन कीप योर बिलोंगिंग्स हियर एंड जस्ट लुक एट दिस अलमीरा। बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से और बहुत ही डिफरेंट 2 shades में इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर अपने शूज़ रख सकते हैं जस्ट इन ऑर्गेनाइज वे एंड यहाँ पर अपने सारे क्लोथ्स बिलोंगिंग्स कुछ भी रख सकते हैं। जस्ट लुक एट दिस ड्यूअल शेड, दिस इज़ क्वाइट अ डिफरेंट एंड यूनिक कॉन्सेप्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं तो मूव इन टूवर्ड्स आर ensuite washroom. So this is our ensuite washroom and आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा spacious है, बहुत ही बड़ा आपको ये शार दिया गया है, सारे branded fixtures है and just look at this very different mirror and the sink. बहुत ही different और unique design है इसका। यहाँ पर भी आपको anti-skid tiles and full length wall tiles मिल रही है। So now let's explore this room further and अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर इन्होंने एक जो मूविंग स्पेस है यहाँ पे इन्होंने बनाई है, एक चेयर रखी है विद दिस क्यूट लिटिल कुशन एंड यहाँ पर विंडो प्रोवाइडेड है विद आयरन ग्रिलिंग। आपकी वेंटिलेशन के एंड लाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि दोपहर में बहुत ज़्यादा लाइटिंग है, आपको लाइट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड यहाँ पर ये जो आपका डोर है ये एग्ज़िट डोर है, यहाँ सबसे ज़्यादा बाहर को एग्ज़िट कर सकते हैं। एंड आगे बढ़ते तो आप देख सकते हैं कि ये जो पेंटिंग्स है इन्होंने इससे काफ़ी एथनिक एंड डिवाइन वाइब्स मेंटेन की है एंड इवन ये जो साइड टेबल है इसकी पॉलिश भी बहुत ही एथनिक वाइब दे रही है। तो चलिए अब आगे मूव ऑन करते हैं एंड लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकेंड बेडरूम। कम ऑन, सो नाउ मूविंग अगेन टूवर्ड्स द सेकेंड बेडरूम। मैं चाहूँगी कि आप एक नज़र डालें इस पेंटिंग पे। ये आप देख सकते हैं बहुत ही डिफरेंट वुडन फॉर्म में पेंटिंग है एंड इसमें जो स्कल्पचर टाइप्स बना है ये हॉर्स का है एंड आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव वाइब जो एक हॉर्स क्रिएट करता है हमारे माइथोलॉजी के हिसाब से। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स अ सेकेंड बेडरूम। So this is our second bedroom and wow. So guys आप देख सकते हैं कि king size bed लगे होने के बावजूद काफ़ी ज़्यादा movable space है and just look at this area. यहाँ पर इन्होंने LED लगाया है बट LED के साथ ही जो इन्होंने बहुत ही यूनिक और आपके स्पेस को बचाते हुए ये जो क्रिएट किया है डिज़ाइन वुडन का बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पर आप सेटअप बॉक्स रख सकते हैं, सारी यूटिलिटी की चीज़ रख सकते हैं विदाउट कंज्यूमिंग मच स्पेस। एंड अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर पेंटिंग लगी है हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी की एंड यहाँ पर आगे आ जाते स्टोरेज एरिया जिन्होंने काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है एंड यहाँ पर आ जाती है बहुत ही बड़ी सी विंडो जो कि आपकी लाइट और वेंटिलेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग साबित होती है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉल सीलिंग विद एम्बियंट लाइटिंग्स आपको प्रोवाइड की जा रही है एंड यहाँ आ जाती है हमारी बैकयार्ड की एंट्रेंस। तो चलिए चेकआउट करते हैं। सो गाइस ये रहेगा हमारा बैकयार्ड, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, साथ ही साथ ये आपकी रहेगी दूसरी एंट्री या एग्जिट बाहर की तरफ से एंड यहाँ पर पूरी एंटी स्किड टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे आपको एक स्लैब दी गई है, आप इस एरिया को कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं।
एंड साथ ही आ जाता है यहाँ पे वॉशिंग एरिया। तो इस वॉशिंग एरिया को आप अपने हिसाब से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे करंट ओनर्स इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ वैसे ही। एंड यहाँ पर आ जाता है हमारा सर्वेंट रूम, सो लेट्स चेक आउट। सो दिस इज द सर्वेंट रूम एंड यहाँ पर भी आपको एंटीक टाइल्स मिल रही है एंड आप देख सकते हैं ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। एक वार्डरोब प्रोवाइडेड है यहाँ पे एंड यहाँ पर आ जाता है आपका अटैच्ड वॉशरूम। सो दिस इज द अटैच्ड वॉशरूम। Exploring the further part of this room, यहाँ पर आ जाती है आपकी छोटी सी वार्डरोब जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है एंड आप देख सकते हैं बहुत ही कॉम्पैक्ट है बट बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है अंदर से। एंड यहाँ पर ऑर्गेनाइज वे में रखने के लिए आपको यहाँ पे शू रैक अलग से दिया गया है। एंड आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आ जाती है आपकी बड़ी वार्डरोब्स एंड दैट मीन्स इस रूम में आपको तीन वार्डरोब्स मिल रही है ऑलमोस्ट विद दिस ड्रेसिंग एरिया जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। आप अपनी सारी बिलोंगिंग्स रख सकते हैं, बहुत ही बड़ा मिरर दिया गया है एंड यू कैन कीप ऑल योर बिलोंगिंग्स हियर। सो दिस इज द एनसूट वॉशरूम जो कि अटैच रहने वाला है आपके फर्स्ट बेडरूम से। So now let's move further towards the third bedroom. Come on. So we are now moving towards the masterpiece of this home. Yes, I'm talking about the master bedroom. So this is the masterpiece of this home, the master bedroom. And आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा spacious है, काफ़ी ज़्यादा movable space है king size bed लगे होने के बावजूद। इसे कहते हैं space. And just look at this work, ये पूरा PVC work इन्होंने किया है with brown and beige hue, बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पर इन्होंने प्यारी सी side table लगाई है and यहाँ पर एथनिक वाइब को मेंटेन करते हुए उन्होंने उसी तरह की बेडशीट लगाई है एंड उसी तरह के पर्दे विद द ब्यूटिफुल ह्यूज ऑफ पीच एंड ब्लू। एंड यहाँ पर है एक विंडो जो कि जिसकी वजह से लाइट एंड वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। एंड यहाँ पर आपको मिल रही है फॉल्स सीलिंग विद एम्बिएंट लाइटिंग्स। इस एरिया को उन्होंने स्टडी टेबल के तौर पर, स्टडी एरिया के तौर पर यूज़ किया है। आप इसे कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड मूविंग फर्दर जस्ट लुक एट दिस LED पैनल, बहुत ही सुंदर बनाया गया है, बहुत ही यूनिक है। यहाँ पे अपने सेट टॉप बॉक्स और सारी यूटिलिटीज़ की चीज़ें रख सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड लेट्स मूव टूवर्ड्स आर अनसूट वॉशरूम। सो दिस इज द अनसूट वॉशरूम एंड आप देख सकते हैं कि मास्टरपीस है तो मास्टरपीस वाला वॉशरूम है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। यहाँ पे आपको वार्डरोब्स प्रोवाइडेड है, आप देख सकते हैं बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही क्लासिक डिज़ाइनिंग की वार्डरोब ये है विद टू डिफरेंट ह्यूज ऑफ ग्रे एंड बेज एंड बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस एंड ऑर्गेनाइज है। आप यहाँ पे नीचे शूज़ रख सकते हैं अपने एंड यहाँ पर आ जाता है आपका ड्रेसिंग एरिया विद अ बिग एंड ह्यूज मिरर जहाँ पे आप अपने आप को इन्हों निहार सकते हैं। एंड आगे आ जाता है आपका जो वॉशिंग एरिया है प्रॉपर, जो सिंक देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सिंक है, बहुत ही यूनिक डिज़ाइनिंग का सिंक यहाँ पर है। ब्रांडेड फिक्चर्स लगे हैं, जस्ट लुक एट द साइज ऑफ दिस शावर, बहुत ही ह्यूज है, बहुत ही कंफर्टेबल होने वाला है यहाँ पे सब। एंड जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पे आपको मिल रही है एंटीस्किड टाइल्स एंड फुल लेंथ वॉल टाइल्स एंड वेंटिलेशन के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज यू हैव दिस ब्यूटिफुल विंडो हियर। सो गाइज ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर, नाउ लेट्स चेक आउट आवर फर्स्ट फ्लोर। सो आप देख सकते हैं कि जो स्टेयर्स है ये पूरी ग्रेनाइट मार्बल में है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टील फेंसिंग हुई है पूरी। नाउ लेट्स चेक आउट फर्दर। सो गाइज ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर एंड आप देख सकते हैं कि इसको भी बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। जस्ट लुक एट दिस ब्रिक डिज़ाइनिंग, बहुत ही डिफरेंट लग रही है ये। एंड यहाँ पर आते आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ग्रीन प्लांट्स लगाए गए हैं एंड साथ ही साथ इधर की साइड आ जाता है हमारा टाइल वर्क। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लास में काफ़ी ही यूनिक पैटर्न इन्होंने बनाया है एंड इधर यहाँ पे इन्होंने टफन ग्लास से फेंसिंग की है। सो नाउ लेट्स चेक फर्दर। सो गाइज ये है हमारे फर्स्ट फ्लोर की एंट्रेंस एंड यहाँ पर भी वुडन डोर मिल रहा है विद लॉक एंड की सिस्टम। एंड अंदर आते ही हमारा आ जाता है हमारा डाइनिंग स्पेस एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी विट्रीफाइड फ्लोरिंग मिल रही है एंड फॉल्स सीलिंग विद एम्बिएंट लाइटिंग्स मिल रही है। एंड इधर आ जाता है हमारा पार्टीशन और यहाँ पर आ जाता है हमारा लिविंग स्पेस जहाँ पे आप
6 to 8 सीटर की सोफ़ा लगा सकते हैं। एंड यहाँ पर आ जाती है लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए बहुत ही खूबसूरत विंडो, एंड यहाँ पर भी आपको फॉल्स सीलिंग विद एम्बिएंट लाइटिंग्स प्रोवाइड की जा रही है। मूविंग फर्दर लेट्स मूव टूवर्ड्स द हार्ट ऑफ द होम दैट इज़ आवर किचन, एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ओपन किचन कॉन्सेप्ट है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कम्प्लीटली मॉड्यूलर किचन है। जस्ट सी हाउ स्विफ्ट इट ग्लाइड्स, यू आर गेटिंग अ ड्यूअल सिंक विद रोटेटिंग फॉसेट एंड वेंटिलेशन के लिए विंडो। एंड यहाँ पर एक छोटी सी अलमीरा टाइप्स प्रोवाइडेड है, इसमें आप अपनी क्रॉकरीज रख सकते हैं एंड कैसे भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको दिया जा रहा है चिमनी का प्रोविजन, एंड ऑल्सो यहाँ पर भी आपको मिल रही है फॉल्स सीलिंग विद एम्बिएंट लाइटिंग्स, एंड आप पीछे देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत वॉलपेपर लगाया गया है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर फर्स्ट बेडरूम। So this is our first bedroom, and ये बहुत ही ज़्यादा spacious है with wooden door, and यहाँ पर आ जाता है आपका walk-in closet with this wardrobe, and यहाँ पर vitrified flooring दी जा रही है with ambient lightings and false ceiling and light and ventilation के लिए windows आपको provided है। Moving further, let's check out the ensuite washroom. So this is the ensuite washroom. एंड आप देख सकते हैं कि काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया गया है। जस्ट लुक एट दिस टाइल वर्क, बहुत ही सुंदर, बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पर आपको एंटीस्केट टाइल्स दी जा रही है, ब्रांडेड फिक्स्चर्स दिए जा रहे हैं, एंड साथ ही साथ 7 feet वॉल लेंथ टाइल्स दी जा रही है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकेंड बेडरूम ऑफ दिस होम, एंड सो ये आ जाता है हमारा सेकेंड बेडरूम, एंड आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। वुडन डोर प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, साथ ही साथ यहाँ पर LED के लिए स्पेस बनाया गया है जहाँ पे स्विचेस प्रोवाइडेड है। आपको विट्रीफाइड फ्लोरिंग दी जा रही है, फॉल्स सीलिंग विद एम्बिएंट लाइटिंग्स दी जा रही है, एंड यहाँ पर आ जाती है आपकी बैक बालकनी। सो लेट्स चेकआउट। सो दिस इज द बैक बालकनी, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है ये। इधर आप चेयर टेबल लगा सकते हैं, एंड यहाँ पर अगर हम चले आगे तो यहाँ पर आप इसको वॉशिंग एरिया बना सकते हैं। आपको टैप्स प्रोवाइडेड है, दिस इज़ अ ह्यूज स्पेस एरिया, यहाँ पे आप अपने कपड़े सुखा सकते हैं, वॉशिंग एरिया बना सकते हैं, एंड कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। यू कैन इवन प्लेस टेबल एंड चेयर, एंड इसको आप अपना एक ईटिंग एरिया भी बना सकते हैं। लेट्स मूव फर्दर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मिल रही है लाइट और वेंटिलेशन के लिए ये बड़ी सी विंडो, एंड यहाँ पर आ जाती है हमारी बालकनी। सो आपको एक नहीं दो दो बालकनी मिल रही है। सो यहाँ पर आपको एक नहीं दो दो बालकनी मिल रही है। जस्ट लुक एट द फ्रेश एयर, आई कैन जस्ट फील द फ्रेश एयर हियर। आप देख सकते हैं मेरे बाल उठ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी हवा चलती है यहाँ पर, एंड यू कैन एंजॉय द फ्रेश एयर हियर। So let's move forward. So exploring the room further, यहाँ पर आ जाता है आपका वॉशरूम, एंड यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जा रही है छोटी सी ड्रेसिंग एंड विंडो अगेन, एंड यहाँ पर आ जाती है अलमीरा टू कीप योर स्टफ, एंड हियर वी हैव द ऑनसूट वॉशरूम जो कि अटैच रहेगा आपके फर्स्ट बेडरूम से। Moving forward, now let's check out the masterpiece of this floor, and that is the master bedroom. So this is the master bedroom, and just look at the space. बहुत ही huge space है। King size bed लगाने के बाद भी यहाँ बहुत ज़्यादा moving space होने वाली है। यहाँ पर आपको vitrified flooring मिल रही है, ये बहुत ही खूबसूरत PVC wall मिल रही है with a very different and unique design, and यहाँ पर आपको मिलेगी false ceiling with ambient lightings. And as I told you, ventilation का कोई problem नहीं है यहाँ पर। आपको बहुत बड़ी सी window दी जा रही है for light and ventilation. And आगे अगर हम बात करें then this is the door जो आपके backyard को connect करेगा। So यहाँ आ जाता है आपका walk-in closet, and आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा spacious है। यहाँ पर आपको mirror provide किया जा रहा है with this almirahs, and आप देख सकते हैं how spacious it is, and बहुत ही organized तरीके से आप अपना सारा सामान रख सकते हैं। यहाँ पर अपनी ड्रेसिंग एरिया भी क्रिएट कर सकते हैं इफ़ यू विश टू, एंड यहाँ पर आ जाता है आपका ऑनसूट वॉशरूम, एंड आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पेशियस है।
सो इनका डिज़ाइन काफ़ी डिफरेंट है. आई थिंक वी हैव ब्रांडेड फिक्स्चर्स हियर, साथ ही साथ एंटी स्किड टाइल्स, ऑलमोस्ट 7 feet लेंथ वॉल टाइल्स हैं, एंड साथ ही साथ वेंटिलेशन के लिए विंडो भी है. So guys, this was our first floor. Now let's check out our second floor. Come on. Okay, so guys, यहाँ से हमारा second floor की तरफ चलते हैं हम. And यहाँ पर भी जो stairs है वो granite से है. And जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये fencing पूरी steel से की गई है. Come on, let's move further. सो गाइज ये है हमारा सेकेंड फ्लोर है ना, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है. विट्रीफाइड फ्लोरिंग यहाँ की गई है एंड साथ ही साथ यहाँ पे टफन ग्लास के साथ फेंसिंग की गई है. आगे अगर हम देखें तो आप इस चीज़ को कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं. आप सर्दियों में धूप का मज़ा ले सकते हैं यहाँ पे. एंड यहाँ पर आ जाता है आपका टेरेस एरिया एंड आप देख सकते हैं कि यह भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है और आप इस एरिया को भी कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं. जस्ट चेकआउट, यहाँ पे आपको एंटी स्किड टाइल्स दी जा रही है एंड धूप एंड हवा दोनों बहुत फ्रेश रहती है यहाँ पे. सो नाउ लेट्स चेकआउट इनसाइड, कम ऑन. सो ये आ जाता है हमारे सेकंड फ्लोर की एंट्रेंस एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक बहुत ही स्पेशियस रूम प्रोवाइड किया जा रहा है. आप इसे हॉल बना सकते हैं या फिर बेडरूम बना सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस. यहाँ पर आपको विट्रीफाइड फ्लोरिंग दी जा रही है एंड साथ ही साथ यहाँ आ जाती है आपकी किचन एंड आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस है. आपको वेट किचन एंड ड्राई किचन का कॉन्सेप्ट अलग दिया जा रहा है. यहाँ पर आपको एक सिंक विथ 2 taps प्रोवाइड की जा रही है एंड साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कबर्ड्स प्रोवाइड की जा रहे हैं. आप यहाँ पे अपनी सारी बिलोंगिंग्स रख सकते हैं. सो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स चेक आउट द अदर रूम. तो यहाँ पर आ जाता है हमारा सेकेंड रूम एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है एंड आप देख सकते, आप इसको भी बेडरूम बना सकते हैं या कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं. यहाँ पर भी आपको विट्रीफाइड फ्लोरिंग मिल रही है, ये वुडन वर्क मिल रहा है एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक विंडो प्रोवाइड की जा रही है फॉर लाइट एंड वेंटिलेशन. अब हम आगे चेकआउट करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है आपका ऑन सूट वॉशरूम. जस्ट हैव अ लुक, ये वॉशरूम काफ़ी स्पेशियस है एंड यहाँ पर आपको एंटी स्किड टाइल्स दी जा रही है एंड वॉल टाइल्स दी जा रही है. मूविंग फर्दर यहाँ पर आपको एक यूटिलिटी रूम मिल जाता है. आप इसको कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं इस रूम को. सो गाइज आज आपने देखी हमारी G+2 कॉन्सेप्ट के साथ 280 गज में कोठी जो कि लोकेटेड है सेक्टर 123 सानिया इंक्लेव एयरपोर्ट रोड के पास. सो कैसी लगी आपको ये कोठी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक द वीडियो. ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑफ लाइफ साइट विजिट. दिस इज एंकर सोनम साइनिंग ऑफ. सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो.